नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिलियाल आप सभी का स्वागत अपने इस चैनल में करता हूं, जिसका नाम है किशोर एस्ट्रोलॉजी। आप लगातार हमारे वीडियो पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स के द्वारा हमें बता रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। आज दोस्तों हम अगस्त 2019 के राशिफल और उपाय देने का प्रयास आपको कर रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको बता दूं, अगस्त महीने का राशिफल जो कि हमने विभिन्न राशियों के अनुसार बनाया हुआ है। तो पहली राशि ले लेते हैं दोस्तों, जो कि है मेष राशि। मेष राशि के छठे भाव के स्वामी बुध के चौथे भाव से गुजरने से मार्केटिंग से संबंधित लोगों को नए अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके गुप्त शत्रु भी बढ़ जाएंगे। 11 तारीख से गुरु मार्गी हो जाने के बाद इनका जनसंपर्क जो है बढ़ने लगेगा और ये अपने कार्य प्रणाली में बदलाव करने की सोचेंगे। 16 तारीख तक सूर्य के चौथे भाव में होने से उच्च अधिकारियों से किसी भी प्रकार का वाद विवाद इनका हो सकता है, तो इनको सावधान रहना चाहिए। 15 तारीख के बाद एक नई ऊर्जा का संचार इनके कार्य क्षेत्र में हो जाएगा और आपके उच्च अधिकारी आपको बहुत सारा काम देंगे, जिससे आपका काम का बहुत ज्यादा प्रेशर आप लोगों पर पड़ जाएगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को नई नौकरी भी मिल जाएगी। शुक्र के कर्क राशि में 16 तारीख तक रहने से इनको धन के अच्छे लाभ मिलेंगे तथा 16 तारीख के बाद आकस्मिक धन प्राप्ति के योग मेष राशि वालों को बन जाएंगे। 25 तारीख के करीब गुरु बुध और मंगल नीच नवांश में होंगे, इसलिए इस राशि वालों को बेहद सावधान रहने की जरूरत भी पड़ेगी। 26 तारीख तक विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा दोस्तों, वो जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं आसानी से जा पाएंगे। शनिदेव यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये अपने से छोटे लोगों को पूरा सम्मान दें और मंगल चाहते हैं कि इनकी आय बढ़े। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें मेष राशि के लिए तो समय अगस्त का महीना अच्छा ही बता रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें अगर तो खान पान की आदतों का मेष राशि वालों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 15 तारीख के बाद हृदय अथवा पेट से संबंधित कोई बीमारी होने के योग बन रहे हैं। रक्तचाप जैसी समस्या अगर इनको पहले से रही है तो इनको ऊर्जा की कमी भी महसूस होती हुई नजर आती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के उपाय के लिए दोस्तों। तो उपाय के तौर पर अगर मैं कहूं तो सूर्य का चतुर्थ भाव से गोचर बेवजह इनको घरेलू क्लेश या वाद विवाद करवा रहा है, इसके लिए अगर ये भगवान सूर्य की पूजा कर लेते हैं, गुरु की भी पूजा करते हैं तथा बंदरों को अगर केले खिला देते हैं तो इनको काफी लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों ये था मेष राशि का अगस्त 2019 का राशिफल और उपाय। अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी राशि, जैसा कि आप सब जानते हैं वृषभ राशि है। 11 तारीख से गुरु मार्गी होंगे तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो इन्होंने रोके हुए थे वो लेने का प्रयास करेंगे। वक्री शनि आजीविका में बदलाव इनसे चाह रहे हैं। सूर्य का 16 तारीख तक कर्क राशि में होना इनको बहुत सारे अवसर भी प्रदान कर रहा है तथा अच्छा भाग्य भी इनको लाभ करवा रहा है। कहीं ना कहीं से नौकरी मिलने की भी अच्छी संभावना इनकी बनती हुई नजर आती है। शुक्र के 16 तारीख तक कर्क राशि में होने से इनके जो शत्रु हैं वो उनको किसी भी प्रकार से नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे। 15 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में रहस्य बनाकर चलना या सिक्रेटिव रहना इनके लिए अच्छा रहेगा। स्वयं का कार्य यानी स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने वाले लोग हैं तो उनको मेहनत और श्रद्धा के साथ काम करना नए नए अवसर उनको दिलवा सकता है। मंगल का कर्क राशि में 8 तारीख तक होने से अचानक जीवन में कोई धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 15 तारीख से पहले कर्ज लेने के लिए बेहतरीन समय है, यदि कर्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं तो ये कर्ज ले सकते हैं। जो लोग शेयर और स्टॉक से संबंधित कार्य करते हैं उनको भी 15 तारीख के बाद लाभ होता नजर आ रहा है। 26 तारीख से पहले सभी प्रकार के कार्यों का इनको नियंत्रण में ले लेना लाभदायक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग की अगर हम बात करें तो पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा है, जिससे उनके भविष्य की बहुत सारी योजनाएं कार्यान्वित हो सकती हैं। घूमने फिरने के लिए भी उन लोगों के लिए अच्छा समय बना हुआ है दोस्तों। जहां तक स्वास्थ्य की बात करें वृषभ राशि वालों की दोस्तों, तो स्वास्थ्य की अगर हम देखें तो इस राशि वालों को अगस्त महीने में वजन बढ़ने से थकावट इत्यादि के योग बनेंगे। 8 तारीख के बाद रक्त से संबंधित परेशानी और बुखार होने के योग भी बढ़ रहे हैं। इनकी माता का स्वास्थ्य भी खराब होता हुआ नजर आता है। बुजुर्गों को संधिवात तथा बवासीर की बीमारी होने के योग भी बनते नजर आते हैं। उपाय की बात करें दोस्तों, तो इस राशि वालों को चौथे भाव से मंगल का गोचर होने से इनके घर में ही सतुरता होने के योग बन रहे हैं, जिस कारण इनको जो है कार्तिकेय भगवान की पूजा करना अच्छा रहेगा तथा कांसे के बर्तन में यदि ये भोजन कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का अगस्त 2019 का राशिफल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी तीसरी राशि, जैसा कि आप जो जानते हैं मिथुन राशि है। इस राशि वालों को शनि केतु के नजदीकी भोगांश में होने से बाहरी लोगों के कारण बहुत ज्यादा चिंताएं लगी हुई रहेंगी इस महीने। राशि स्वामी बुध के कर्क राशि में होने से प्रतिभाशाली एवं मार्केटिंग से संबंधित व्यक्तियों को बहुत सारा लाभ मिलेगा तथा धन की आवक भी बढ़ जाएगी। 15 तारीख के बाद ये किसी नई जगह जाएंगे और नई योजनाओं का विस्तार करेंगे। स्वतंत्र रूप से काम करने वालों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग नौकरी के प्रयास में उनको नई नौकरी मिल जाएगी। छोटे छोटे रूप में धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। शुक्र के दूसरे भाव में 16 तारीख तक होने से सरकार द्वारा
एवं म्यूचुअल फंड के द्वारा इनको धन लाभ होता नजर आता है। भूमि आदि से किया गया निवेश इनको काफी लाभ देगा। 15 तारीख तक किसी भी कार्य में जल्दबाजी इनको नहीं करनी चाहिए। सूर्य जब राशि परिवर्तन कर लेगा तब कुछ निवेश करने की सोचे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। मंगल का सिंह राशि में गोचर होने से इस समय सारे नुकसान इनके नियंत्रण में आते चले जाएंगे। इस माह ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस के साथ विवाह रूप से काम करना पसंद करेंगे, जिससे इनके आपस के कुलीग्स को परेशानी हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य होने का योग बनता हुआ दिखता है। दोस्तों, शुक्र के कर्क राशि में जाने से कई महत्वपूर्ण खरीदारी भी ये इस महीने करेंगे। विद्यार्थी वर्ग को उस शिक्षा के लिए अच्छा समय मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की बात करें तो 16 तारीख तक जब सूर्य दूसरे भाव में रहेगा तो इनको सरदर्द, दांतों का दर्द एवं हाथों से संबंधित परेशानी होती दिखाई देती है। तो ऐसे समय में योग इत्यादि करना लाभदायक रहेगा। वाहन चलाते हुए इस राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चोट लगने के गंभीर योग बने हुए हैं। वैसे बहुत सारे ग्रह जो इनके गोचर में इनको काफी लाभ देता हुआ नजर दिखा रहे हैं या लाभ देता हुआ प्रतीत कर रहे हैं। उपाय की अगर हम बात करें तो नवग्रह का पूजन करना इनके लिए लाभदायक रहेगा, तथा चिड़ियों को ये कुछ खाने की वस्तु अगर देते हैं तो इनको बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार यदि ये पीपल पर जल चढ़ाएं तो भी लाभ मिलने के योग बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का 2019 अगस्त का राशिफल और उपाय। अब बात करते हैं हमारी चौथी राशि जो कि कर्क राशि है। और कर्क राशि में जहां एक तरफ मंगल जो है इनकी राशि से निकलकर आगे की तरफ बढ़े यानी सिंह राशि में आ गए और इनकी तर्क शक्ति को बढ़ा रहे हैं, वहीं शुक्र के इनकी राशि से गुजरने से कलात्मक काम करने वाले लोगों को बेहद लाभ होता नजर आ रहा है। जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कला जगत से जुड़े हुए हैं उनके कामों में तेजी आने के योग बन जाएंगे। 15 तारीख को जब मकर राशि में पूर्णमासी होगी बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलने का योग बन जाएगा। 16 तारीख के बाद प्रमोशन एवं बोनस मिलने के योग भी बन रहे हैं। मंगल का सिंह राशि में होना इनको उच्च अधिकारियों से संभल कर बात करने की ओर इशारा कर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं मंगल उत्तेजनात्मक बातें करवा देता है जिससे कि तनाव बढ़ सकता है। शुक्र का इनकी राशि में होना धन संबंधित कई मामलों को सुलझा देगा। 16 तारीख के बाद बहुत से स्थानों से आय के स्रोत बनेंगे और ये अपना पुराना कर्जा भी चुका पाएंगे। इनको अपने सभी कागजात उचित रूप से बनाकर रख लेने चाहिए और कोई भी कर्ज लेने देने से पहले उनको अच्छी तरह भलीभांति कागज को देख लेना चाहिए। मंगल के दूसरे भाव में 8 अगस्त से आने से जब ये किसी बड़े व्यक्ति से बात करेंगे तो इनको अपने शब्दों का ध्यान रखना अवश्य रहेगा, अन्यथा बहस हो जाएगी। जीवन साथी से भी बात करते समय इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा घर में क्लेश भी हो सकता है। लेकिन राशि से छठे शनि और केतु इनके शत्रु का विनाश तो कर ही रहे हैं। विद्यार्थियों की बात अगर हम करें तो उचित परिणाम मिलने के योग विद्यार्थियों को मिले हुए हैं। किसी भी स्थान में जाने से पहले उस स्थान का पूरा पता अगर ये लगा लेते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें दोस्तों तो कर्क राशि वालों को इस महीने आराम करना नई ऊर्जा को प्राप्त करवाएगा। सूर्य का राशि से 16 तारीख तक गुजरना स्वास्थ्य की देखभाल की ओर इनको प्रेरित कर रहा है। जो लोग रक्तचाप एवं हृदय रोग से संबंधित हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, उपाय की बात कर लें दोस्तों तो इस राशि वालों के मंगल का दूसरे भाव से गुजरना गुस्से की अधिकता एवं वाणी में कटुता दे रहा है। जब भी महत्वपूर्ण लोगों से बात करें तो ध्यान रखें। मंगल देवता की पूजा करना, किसी भी मंदिर में गेहूं का दान करना तथा समय समय पर गायत्री मंत्र का जाप करना इस राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, ये थी अगस्त 2019 के शुरुआती 4 राशियों का राशिफल और उपाय। इससे अगली पोस्ट में हम आपको आगे की 4 राशियों के बारे में जानकारी देंगे। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।